अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी, आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। आज बहुत कुछ करने के लिए है और सुबह से ही मैं व्लॉग जो है वो स्टार्ट करूँगी। और आज जी जाना है MRI करवाने। इसके अलावा जो है घर में मेहमान आ रहे हैं, सो खाना वगैरह पकाना है। घर का जो डेली का काम है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा देखते हैं और क्या होता है। सो जैसे जैसे मतलब दिन गुजरता है सो वही आपके साथ शेयर करूँगी। सो आपने एंड तक वीडियो देखनी है। इसके अलावा डॉक्टर ने जो है MRI लिख के दिया है वो हमने करवाना है कायदे आज़म हॉस्पिटल से। सो देखते हैं कि आज हो पाता है या नहीं, वरना कल चले जाएंगे। और इसके अलावा जी वहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सी हमने हॉस्पिटल्स में पूछा है, वहाँ पे नहीं हो रहा। सो इसलिए हमने कायदे आज़म में जाना है। और अभी जी स्टार्ट करते हैं सुबह से रूटीन जो है हमारी, और उसके बाद जो खाना वगैरह होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इधर देखो, इधर देखो, इधर आ जाओ, शूज पहन लो, शूज पहन लो, आ जाओ। अच्छा तो बहुत यो यो बेबी बन गए, देखो जरा सामने, सामने देखो खुद को, उधर देखो सब। यस सूज, ये मैं आज हेल्पर से जो है कपड़े धुलवा रही थी, क्योंकि जो 2 वीक्स मम्मी की तरफ रही हूँ सारे कपड़े गंदे के पड़े हुए थे उमेर के, उनके ऑफिस के। सो इसलिए सो यहाँ पे मैं नाश्ते में ले रही हूँ अंडा और चाय, बस दैट्स इट। क्योंकि आजकल मतलब इतना कोई हैवी नाश्ते करने का दिल नहीं करता। और उसके बाद जी अपना जो है किचन पूरा साफ करूँगी, और ये फ्रिज जी ये साफ करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी ये होती है कि थोड़ा मतलब चीज़ें वगैरह पड़ी हुई तो मैस क्रिएट हो जाता है, वो थोड़ा सा सेट करके रखूँगी फिर साफ करूँगी। और ये देखिए जी, ये हो गया है डन और सारा मैंने साफ कर लिया है। और इसके अलावा ये जो है खाना, क्योंकि गेस्ट वगैरह ने आना था, मायर के जो है ताई के बेटे उनकी जो है वाइफ ने आना था, सो जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं। और खाने में क्या बना रहे थे, खाने में बना रहे थे बिरयानी, और उसके अलावा मटन का सालन जो है वो बना रहे थे, मटन और आलू। और इसके बाद जी सैलेड और चटनी वगैरह जो है, इसके अलावा जो बिरयानी की रेसिपी भी मैं काफ़ी दफ़ा जो है आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। सो यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रही थी। यहाँ पे जी हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी ख़त्म हुआ था, सो वो भी ग्राइंड करना था। और प्याज जो होता है वो अच्छे से ब्राउन कर लेना, और फिर जी अभी ये इसको मैं ग्राइंड करूँगी। और क्योंकि ये रेसिपी जो मैं आपके साथ ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, सो ये छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं वो मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पर जी मटन जो है वो वॉश करके रख दिया था, और कुकर में सारी जो चीज़ें हैं वो डाल रही थी। और जी गेस्ट हमारे आ गए थे, सो उनको सबसे पहले जो है जूस वगैरह सर्व करेगी, क्योंकि खाने में टाइम था। क्योंकि आजकल पता नहीं गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू हो, बहुत ज़्यादा कम होता है। और पहले मैं जब पहले बिरयानी बना के उसको दम पे लगाऊंगी, और उसके बाद जो है मटन रख दूंगी, और उसके बाद साथ साथ में जो है सैलेड बना रही थी। और ये जी दम के लिए जो हमारी बिरयानी है वो रेडी है। काम तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि इसके अलावा जो है कपड़े भी धुलवा रही थी साथ साथ। और ये जी हमारा मटन जो है ये गल गया था, और इसको मैंने जो है तड़का लगा के आलू डाल के जो है दोबारा इसको मैं 5 मिनट के लिए कुकर लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम टाइम जो है वो कम था। सो साथ हर चीज़ कर रही थी। और इसके बाद जी हमारी जो बिरयानी है उसका दम लग चुका है, और ये जी इसको मैं डिश आउट कर रही थी। और मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और बड़ा मुश्किल होता है अगर आप सारा काम कर रहे हो साथ साथ, वीडियोज़ बनाना इज़ लाइक डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। और इसलिए जी मैंने सोचा कि अपनी फैमिली है तो आपके साथ तो शेयर करना बनता है, और अनफिल्टर्ड वीडियोज़ जो मतलब रियलिटी बेस्ड होती है, जैसे घर में काम हो रहा होता है। सो ये जी हमारा मटन का सालन जो है वो बन गया है, आलू मटन जो बन गया है। खाना वगैरह
खा लिया है और अब आइसक्रीम जा रही है, और अभी हम जा रहे हैं जी हॉस्पिटल, और शाम के हो गए थे कोई 5:30-6, और अभी जो है हसन को मैं मम्मी के पास छोड़ूंगी, और पीछे आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा कपड़े, और ये अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कपड़ों को तय करूँ, और अभी मैं हसन को बुला रही थी और हसन को मम्मी की तरफ छोड़ के, और उसके बाद जो है हम दोनों जाएंगे, और हम बाइक पर ही जा रहे थे क्योंकि बाइक पर ईजी रहता है, रश इतना मतलब हो तो ईजी रहता है, बाइक कहीं से भी निकल सकता है। तो ये हॉस्पिटल पे जो है उमेर के ऑफिस की तरफ से है, और अभी हम अंदर जाएंगे और देखते हैं, मतलब अभी सारा वो प्रोसीजर होता है वो मेल वगैरह करते हैं, और जो अप्रूवल होता है वो होना था, और अभी हमें पता नहीं था कितना टाइम लग जाना है, और अभी अंदर चलते हैं। यहाँ हम पहुँच चुके थे और इन्होंने बताया कि नीचे जी है बेसमेंट में, वहाँ पे MRI करते हैं, और अभी हम लोग उधर ही जा रहे थे। सर जी ये इस लगे थे जैसे पार्किंग में बनाया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं MRI का, और ये यहाँ पे केबिन पे कोई भी नहीं था। सो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आप लोग को अप्रूवल लेके आना पड़ेगा, और ऊपर जो है फिर वेट कर रही थी तेरी जो है वेटिंग एरिया में, और उमेर जो है वो चले गए थे ऊपर, और वहाँ से अप्रूवल कर रहा, और काफ़ी टाइम लग गया। और ये जो जगह है ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, MRI के आप जैसे इंटर होते हो ना तो बड़ा प्यारा सा इन्होंने जो है ग्रीन कारपेट और सारा बड़ा वो बहुत अच्छा लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था ग्रीनरी सा। सो ये जो मैं यहाँ पे जो है वेट कर रही थी कि कब आएंगे मैं, और फिर जो है मेरा होगा, और मैं वेट करते करते मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की है, और बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, और क्योंकि मेरे पास जो है सिग्नल्स वगैरह का भी इशू था, सो इसलिए जो है हॉस्पिटल जाके तो बंदा वैसे ही वो थोड़ा सा हो जाता है। और इसके जो है मेरा स्पाइन का जो है मेरा होना था, और क्योंकि मेरे जो सर्विकल लाइक नेक और शोल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा से पेन करते हैं, सो मोबाइल वगैरह सारा कुछ बाइट छोड़ना था। सो छोटी सी क्लिप मैंने आपके साथ शूट की है, आपके लिए शूट की है, और ये देखें बहुत ही बुरा जो है ये हॉस्पिटल है। और अभी हम वापस जा रहे थे और हमें फिल्म्स जो है वो मिल गई थी, सो देखते हैं रिपोर्ट्स में क्या आता है, और फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाना है, अल्लाह करे किसी चीज़ से तो आराम आ जाए कि मतलब कोई चीज़ पता चल जाए क्या प्रॉब्लम है क्या इशू है। सो अभी हम हसन को पिक करेंगे मम्मी के घर से और वापस घर जाएंगे। सो गाइस ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो एक ही वो रिक्वेस्ट होती है कि आपने क्या करना है, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।